हमारे साथ हैं समाजवादी शिक्षक सभा के जो है प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मान सिंह, उनके साथ हैं महासचिव जो है डॉक्टर जो है एसपी सिंह जी, उपाध्यक्ष महोदय हैं डॉक्टर निर्भय सिंह, और जो है सचिव महोदय हैं डॉक्टर सुरेश जी। आज हम इन सभी से जो है समाजवादी पार्टी की नीतियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम डॉक्टर मान सिंह से जानने का प्रयास करेंगे कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशन में शिक्षक सभा किस तरीके से कार्य कर रही है और भविष्य में आप लोगों की क्या योजना है। डॉक्टर मान सिंह, 2019 को लेकर के पूरी तरीके से हम अपनी रणनीति बना चुके हैं और इसी का परिणाम है कि बहुजन समाजवादी पार्टी और जो अपने विचारधारा के मिलते हुए पार्टियां हैं सबका हमारा सामूहिक रूप से योगदान रहेगा। और 2019 में जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के किए गए कार्य, चाहे वो किसानों के हित में रहा हो, चाहे एक्सप्रेसवे रहा हो, चाहे 100 डायल रहा हो, चाहे मेट्रो रही हो, चाहे मैं विकास के जो भी आयाम रहे हो उनके कार्यों को लेकर के, और जो भाजपा द्वारा झूठे सपने दिखाए गए कि 15 लाख आपके खाते में आएंगे, 1 सैनिकों के बदले में हम 10-10 सर काट के लाएंगे, या काला धन विदेशों में इतना भरा पड़ा है कि सब हिंदुस्तान में आ जाएंगे, जबकि यहाँ का जो धन है वो मेहुल चौकसी हैं और नीरव मोदी हैं, कई ऐसे ललित मोदी हैं, कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ का सफेद धन है वो ले जाकर के विदेश में चले गए हैं। तो इन बातों को लेकर के हमारी पूरी रणनीति बन चुकी है और समाजवादी शिक्षक सभा पूरे प्रदेश में घर घर जाकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो नीतियां हैं उनको बताने का काम करेगी, और जो भारतीय जनता पार्टी का प्रोपोगंडा है, जो इनका झूठ है, जो फरेब है, जो जनता के साथ छलावा है, उसका पर्दाफाश करने का काम करेगी। जी बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हैं डॉक्टर एसपी सिंह, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे आज जो है एससी एसटी ओबीसी समाज के छात्रों में जो है रोस्टर सिस्टम 13 पॉइंट को लेकर जो भारी आक्रोश है। पूरे जितने भी विश्वविद्यालय हैं, चाहे वो केंद्रीय हों चाहे जो राज्य के विश्वविद्यालय हैं, हर जगह जो है इसमें जो है व्यापक जो है आक्रोश फैला हुआ सभी छात्रों प्रोफेसर में। इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस आक्रोश किस प्रकार से है और आपकी इसके बारे में क्या नीति है। रोस्टर प्रणाली उच्च शिक्षा में विभागवार आरक्षण की व्यवस्था करता है, जिसका पार्टी ने माननीय धर्मेंद्र सांसद जी हैं हमारी पार्टी, उन्होंने लोकसभा में इसका पुरजोर विरोध किया था। उस समय इस पर बहुत सारी भर्तियां हो रही थी, रुकी थी, लेकिन उसके बाद कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिससे सरकार ने अपना अच्छी तरीके से पक्ष नहीं रखा और सरकार सुप्रीम कोर्ट में हारती है और वर्तमान समय में रोस्टर 13 लागू होता है। इसका मतलब होता है कि जब किसी भी विभाग में 4 पद आते हैं तो एक ओबीसी के लिए आरक्षित होगा, 5 आएंगे तो एक एससी के लिए और 14 आएंगे तो एसटी के लिए होगा। तो कुल मिला के सरकार की तरफ से जो मंशा जाहिर हो रही है कि कहीं कहीं से आरक्षित वर्ग वालों को उच्च शिक्षा में जाने से रोकना है, क्योंकि अभी तक जो रिकॉर्ड हम लोग देखते हैं कि उच्च शिक्षा के केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, 40 विश्वविद्यालय हैं, उसमें अभी तक एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की कोई भी भर्ती नहीं हुई है। तो कहीं कहीं सरकार की मंशा ओबीसी एससी एसटी को रोकना है और इसका समाजवादी शिक्षक सभा पुरजोर विरोध करती है। इसके लिए चाहे हमें आंदोलन करना पड़े, चाहे जो रास्ता अपनाना पड़े, हम लोग इसका सड़कों पर विरोध करेंगे और रोस्टर 13 का विरोध करते हुए हम लोग रोस्टर 200 को अपनाने के सरकार को बाध्य करेंगे। समाजवादी शिक्षक सभा यह चाहेगी कि 13 पॉइंट के स्थान पर 200 जो लागू हो, निश्चित रूप से तभी सामाजिक समानता।